नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। भारत चीन में तनाव कम करने को लेकर मेजर जनरल स्तर की हो सकती है बातचीत। चीनी सेना लद्दाख के गलवान इलाके में 2.5 किलोमीटर हटी पीछे। लद्दाख के एमपी जॉयमंग सेरिंग ने पैंगोंग लेक का किया दौरा। मां की कब्र के पास दफनाए गए जॉर्ज फ्लॉयड, 6,000 लोगों ने दी अंतिम विदाई। परिजनों के साथ खास खास लोग रहे मौजूद। फ्लॉयड की मौत से फिर गरमाया नस्ल भेद का मुद्दा। कोरोना काल में भूकंप का संकट, देश में कई जगह महसूस हुए भूकंप के झटके। तो बुधवार तड़के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में आया भूकंप, 4.3 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, 73 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। तो 4,13,000 से मरीजों की यहां पर मौत और अब तक 36 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 2,76,000 के पार। 7,745 मरीजों ने तोड़ा दम, तो 1,35,000 से ज्यादा मरीज हुए कोरोना मुक्त। एशिया कप 2020 को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड ने वीसी के जरिए की बैठक। बैठक में बीसीसीआई ने किया साफ, पाकिस्तान में खेलना संभव नहीं। एसीसी ने कहा कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए फैसला आने वाले समय में लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। शोपियां के सुबो हिदामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की सेल भारत में शुरू, दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बिक्री। अमेजॉन इंडिया और शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन की कीमत 17,999 रुपए से शुरू होकर 19,999 रुपए तक है। रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी, टिकट प्रिंटिंग बंद करने, टीटी की जगह आरपीएफ स्टाफ और ट्रेन में मौजूद टेक्नीशियन से टिकट की जांच का प्रस्ताव। स्टेशन मास्टर सिग्नल मेंटेनर के रूप में करेंगे काम, इस पर बोर्ड ने अभी नहीं दिया फैसला। दिल्ली में आज से सस्ती हुई शराब, अब नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में तेजी से फैलने वाला है कोरोना संक्रमण, ये समय राजनीति करने का नहीं, अगर हम लड़ते रहे तो जीत जाएगा कोरोना। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार में आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। तेजस्वी ने कोरोना महामारी को लेकर सीएम पर कसा था तंज, तो जवाब में सीएम ने कहा हम रोज एक एक चीज की कर रहे हैं समीक्षा, लेकिन आप कहां हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, लद्दाख से भाजपा सांसद जोमयांग सेरिंग ने किया पलटवार। कहा चीन ने कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जमीन पर किया था कब्जा, उम्मीद है राहुल और कांग्रेस तथ्यों के आधार पर मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना वायरस से डीएमके विधायक जे अनबमजगन का चेन्नई में निधन, विधायक का आज था जन्मदिन। गौ हत्या पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, योगी सरकार लेकर आई गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश। गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, इसके साथ ही अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक मामले की जांच हुई शुरू। जगनमोहन रेड्डी सरकार ने हाई पावर कमेटी का किया गठन, जो एलजी पॉलीमर प्लांट में हुए हादसे की करेगी जांच। कमेटी अपनी रिपोर्ट 22 जून को सौंपेगी, इसके बाद सरकार की ओर से की जाएगी आगे की कार्रवाई। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गैस लीक मामले में एलजी पॉलीमर कंपनी को लापरवाही का माना दोषी। अब एनजीटी की ज्वाइंट कमेटी ने दिया आदेश, घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारजनों को दे मुआवजा। यूपी के बहुचर्चित पालना गृह घोटाले की जांच तेज, सीबीआई ने लखनऊ में भाजपा विधायक नीरज बोरा के आवास पर की छापेमारी। विधायक के भाइयों से भी की पूछताछ, घोटाले में विधायक की संस्था का नाम आ रहा है। कोरोना महामारी को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर, प्रदेश में बिगड़े हालात से मुख्यमंत्री चिंतित। वीसी के जरिए कोरोना के वर्तमान हालातों पर की समीक्षा, सरकार के निर्देशों को सख्ती से किया जाएगा लागू। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई विधायकों की बैठक, सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बुलाई बैठक, आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक।
कोरोना के चलते राजस्थान की सीमाओं पर आवागमन होगा नियंत्रित। अब बगैर जिला प्रशासन की अनुमति के राज्य से बाहर आने जाने पर रहेगी रोक। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर। बब्बर शेर सिद्धार्थ की भी हुई मौत। रात करीब 3 बजे हुई बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत। 2 दिन में 1 बाघ और 1 शेर की हुई मौत। राजस्थान में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण। प्रदेश में आज 123 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 11,368। अब तक 256 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री के प्रयासों पर 12 जिला प्रशासन फेर रहा पानी। गोरदा गांव में हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। करीब 5,000 लोग हुए समारोह में शामिल। चूरू के सुजानगढ़ में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 2 स्वास्थ्यकर्मी मिले कोरोना संक्रमित। नाथो तालाब स्थित बीसीएमओ कार्यालय में थे कार्यरत। हालांकि स्वास्थ्यकर्मियों को पहले कर रखा था क्वारंटाइन। पाली के मारवाड़ जंक्शन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिलाया काढ़ा। भामाशाह के सहयोग से प्रशासनिक अधिकारियों और जन समुदाय को पिलाया गया काढ़ा। राजधानी के विराटनगर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। लोगों का जीवन बचाने में जुटे कोरोना वॉरियर्स का किया स्वागत। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा देकर किया सम्मान। बीकानेर के खाजूवाला में गरमाया जगासर हादसा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने समझाइश कर मांग पूरी। मामले का शांत कराने का दिया आश्वासन। पाली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के लिए पिकअप चोरी के मामले का किया खुलासा। इस मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में कई वारदातों के खुलासे की संभावना। मकराना के भाटीपुरा गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। सिरोही के पिंडवाड़ा में युवक की पीट पीट कर हत्या। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने समझाइश के बाद कराया मामला शांत। यूपी की सैफई यूनिवर्सिटी को मिली सफलता। राज निर्वाण बटी आयुर्वेदिक दवा से हो रहा कोरोना का इलाज। इससे अब तक 91 मरीज हुए कोरोना मुक्त। यूपी के ड्रैत गांव में मिला अधेड़ का शव। अभी तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में युवक की गला रेतकर हत्या। जौसापारा गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में दबंग गई 2 युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म का किया प्रयास। परिजनों ने सादाब और शाकिब के खिलाफ दर्ज कराया मामला। नाबालिग को अस्पताल में कराया भर्ती। झारखंड के गिरिडीह जिले में कुएं में मिले महिला के साथ 3 बच्चियों के शव। हत्या के शक में पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। पुलिस को मिले थे शवों पर चोट के निशान। महाराष्ट्र के पुणे में युवक को प्यार करना पड़ा महंगा। जाति के नाम पर लड़की के घर वालों ने की हत्या। आरोपियों ने युवक को सरिया और पत्थरों से मार मार कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने पूरे मामले में 2 नाबालिग सहित 6 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कृष्ण नगर थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली। एसआई ने साफ सफाई करने के लिए मांगे थे पिस्टल। स्थानीय पुलिस खुदकुशी मामले की कर रही जांच। आईपीएस अफसरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली छात्रा गिरफ्तार। यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा आईपीएस अफसरों के खिलाफ कर रही थी अभद्र पोस्ट। साइबर क्राइम टीम ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। कामा के बुरौली धाऊ गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में फायरिंग। फायरिंग में 1 पक्ष के 2 लोग हुए घायल। टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी। 1 युवक हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर के नसीराबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई। सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। क्षेत्रवासियों ने पार्षद और प्रशासन के अधिकारियों का जताया आभार। चौक की देवली में लाखों की संख्या में टिड्डियों का हमला। ग्रामीणों ने थालियां और बर्तन बजाकर किया टिड्डियों को भगाने का प्रयास।
भरतपुर के बयाना में व्यापारियों की ओर से चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता अभियान, व्यापार संघ ने किया कमेटी का गठन, नियमों की अनदेखी करने पर व्यापारी पर होगी कार्रवाई। सांगानेर उपखंड की कलवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर ग्रामीणों ने जोड़ा ताला, समिति अध्यक्ष और सचिव पर लगाए कई गंभीर आरोप, तो किसानों को करना पड़ा परेशानी का सामना। जयपुर के बस्ती में मिला पैराशूट बलून, पुलिस ने पैराशूट बलून को किया कब्जे में। यूपी के अलीगढ़ में मौन तप पर बैठा सन्यासी, धूप में आग जलाकर पांच दिन से कर रहा तपस्या, सुई धागे से सिल रखा है मुंह, मनोकामना पूर्ण करने की चाह में अग्नि तपस्या। यूपी के अलीगढ़ में चलती ट्रेन से मासूम लापता, परिजनों ने रेलवे पुलिस को दी शिकायत, पूर्वा एक्सप्रेस से गायब हुई 2 साल की मासूम, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। मिर्जापुर में कोरोना खौफ के बीच मगरमच्छ की दहशत, शिकार के लिए बस्ती में आ रहा मगरमच्छ, ग्रामीणों में भय का माहौल। यूपी के आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने 35,000 की नकदी सहित अन्य सामान किया पार, आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। जोधपुर के फड़ाक नगर में जैनाचार्य रयण सागर महाराज ने किया नगर भ्रमण, धर्म और अच्छे कर्मफल से आत्मकल्याण का दिया उपदेश, संत रामदास, पुनवान चंद्र जैन, प्रवीण सोनी सहित अनेक श्रद्धालु रहे मौजूद। विश्व नेत्रदान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा हम नेत्रदान के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करें, किसी को देखने में मदद करना सबसे बड़ा उपाय, आंखें दान करके हम किसी के जीवन को अंधेरे को कर सकते हैं समाप्त। झालावाड़ में ईसीबी की कार्रवाई, खानपुर के मेडिकल ऑफिसर को किया ट्रैप, 12,000 की रिश्वत लेते मेडिकल ऑफिसर ट्रैप, डॉक्टर प्रदीप शर्मा को ईसीबी ने किया गिरफ्तार, एक मेल नर्स को धमकाकर मांगी जा रही थी रिश्वत। बीकानेर में रेलवे कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मजदूर विरोधी कानून नहीं बनाने की मांग, पीएम के नाम अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के हरमाड़ा में चलते ट्रक में लगी आग, बिजली के तारों की चपेट में आने से हुआ हादसा, धूं धूं कर जला ट्रक, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। भरतपुर के रुदावल में पुलिस की कार्रवाई, अवैध रूप से रखी विस्फोटक सामग्री की जब्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी, नमस्कार।